सुजानपुर टिहरा में हिमाचल पथ परिवहन की कई बसें बंद होने के कगार पर हैं। सरकार चार दिन बस चलाकर बस रूट को बंद कर देती है। जब तक लोगों को पता चलता है कि इस रूट की बसें चल पड़ी हैं, तब तक ये बस बंद हो जाती है, जिससे आम लोगों को अपनी महंगी गाड़ी करने के उपरांत अपने घर तक पहुंच रहे हैं। ये बात राजेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर भाजपा सरकार पक्के खोखों का निर्माण कर सकती है, लेकिन सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए आनाकानी क्यों करती नजर आ रही है, क्योंकि शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि राणा ने पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य किए हैं, जिनका उधर उदाहरण मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए देखा जा सकता है, जिसका विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में ना तो विकास किया गया है, ना ही कोई कार्यालय बनाया गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में कार्य नहीं कर रही है। वहीं नगर परिषद में सुजानपुर में कोई भी कार्य नगर परिषद के द्वारा नहीं करवाया गया। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके लिए लोग नगर परिषद के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताकर जीत सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा, अब जो है यहाँ पर धौला सिद्ध प्रोजेक्ट जो है वो एक पावर इसका हाइडल प्रोजेक्ट लग रहा है, वहां से 2% जो CRF में जो पैसा लगता है उसके तहत जो है ये पैसा जो है स्वीकृत हुआ है, क्योंकि ये जो सुजानपुर है इसमें बहुत सारे इस क्षेत्र के लोगों की जमीनें जो है गई है, लोग गुजरे हैं, उसकी एवज में पैसा जो है ये कुछ हमें पता लगा कि 62 लाख रुपया 60 लाख रुपया जो है इसके लिए स्वीकृत हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि सुजानपुर में धौला सिद्ध प्रोजेक्ट का जो उसका पैसा है 2% जो लोगों में खर्च किया जाता है विकास में, उसमें जो है ये निर्माण हो। परंतु ये हम महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अगर नगर परिषद के नाम पक्की दुकानों के निर्माण के लिए जमीन ट्रांसफर हो सकती है, जो कि हमारे समय हुई, तो यहाँ पर टाउन हॉल निर्माण के लिए जमीन जो बाहर जो दुकान से बाहर है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकती थी। 100% मेरा सीधा सीधा भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप है कि भाजपा के नेता नहीं चाहते थे कि सुजानपुर में यहाँ पर जो है टाउन हॉल का निर्माण हो, इसलिए क्योंकि इसके लिए फाउंडेशन राजा वीरभद्र और राजेंद्र राणा का किया हुआ है, और पैसा जो है वो भारतीय राजा वीरभद्र जी की सरकार में हमने स्वीकृत कराया था, 75 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, और पैसा स्वीकृत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको काम को नहीं होने दिया, जिससे उन्होंने सुजानपुर शहर के लोगों का भारी नुकसान किया है, और उसके लिए अब समय आ गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करना चाह रहा हूं कि सुजानपुर का एक एक मतदाता इस बात को समझे, और बुद्धिजीवी मतदाता है सुजानपुर के, वो समझते हैं कि सुजानपुर का विकास आखिर किसने किया। अगर जिंदा राणा ने विकास किया है तो हमारा निवेदन है कि नगर परिषद जो है वो डटकर कांग्रेस के समर्थित जो प्रत्याशी हैं, भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी थे और कांग्रेस समर्थित दोनों प्रत्याशियों का नामांकन पत्र जो है वो रद्द किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां पूरी नहीं भर पाए होंगे और ऑब्जेक्शन हुए होंगे, तो इसलिए वो रद्द हुए हैं। अभी 2 प्रत्याशी और हैं, तो अभी आने वाले चुनावों में फैसला होगा, क्या फैसला होता है वो जो है उसको लेकर जो है वो 7 नंबर वार्ड के लोग फैसला करेंगे। कि सरकार ने HRTC जो इनका कॉरपोरेशन है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, इसको बंद करने का मन तो नहीं बना लिया कहीं, क्योंकि ना तो ये बसें चला रहे हैं, जब सारा लॉकडाउन खुल चुका है, आम जीवन जो है वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है, तो ये कह रहे हैं कि जो रूट घाटे के चल रहे हैं हम उनको नहीं चलाएंगे। लोगों को पता नहीं लग रहा है, जब रूट चला रहे हैं तो 5 दिन चलाते हैं, कहते हैं घाटा पड़ रहा है, तब तक लोगों को पता नहीं लगता है। जब तक लोगों को पता लगता है कि बसें चल रही हैं, लोगों का विश्वास बनने शुरू होता है कि अब हम बस पे सवारी करेंगे, बस में जाएंगे, तब तक बस बंद हो जाती है। तो ये सरकार की मिसमैनेजमेंट जो है, ये सरकार जो है पूरी तरह जो है मिसमैनेजमेंट के दौर से गुजर रही है। मिसमैनेजमेंट है सरकार की, सरकार इसे चलाई नहीं जा रही है, और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब इस सरकार से उपता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। यहाँ तक सुजैनपुर में बस अड्डे के पास पक्की दुकानों के निर्माण, खोखों की जगह पक्के दुकानों के निर्माण का विषय है, ये इनिशिएटिव हमने लिया था, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया इसमें जो है वो जमीन, तो सबसे महत्वपूर्ण और टिपिकल इशू था,
कि जो जुगान के नाम जमीन थी जो कि ट्रांसफर नहीं हो सकती थी और उनको सबको जो है वो इसको नगर परिषद के नाम हमने ट्रांसफर करवाया। ट्रांसफर करने के बाद वहां पर खोखों का निर्माण जो है पक्की दुकानों के रूप में होना था। तो पहले जो स्कीम थी कि लोग जो है उनसे पैसा कलेक्ट करके जो है उनका निर्माण किया जाएगा, उस सरकार से वो पूरी तरह निराशा लोगों को मिली है। प्रदेश की जनता निराशा के दौर से गुजर रही है और खास तौर पर सरकार का जो पिछला जो कोविड का एक साल रहा है इसको लेकर भी सरकार का जो कुप्रबंधन रहा है, मिसमैनेजमेंट रही है और लोग जो हैं कोविड में जो हैं हॉस्पिटलों में भी कोविड सेंटरों में गए हैं चाहे हॉस्पिटल्स में गए हैं, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है निराशा लोगों को मिली है। मुझे लगता है कि इन सारे विषयों को लेकर जो है वो प्रदेश की जनता पंचायती चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी जीत जो है वो दिलाएगी।